अजमे आली शान, हम फखरे पाकिस्तान, हम अजमे आली शान, दुनिया में हमारी है पहचान पाकिस्तान। स्टेशनरी जो हमने जब स्केच बुक्स पर हमने डिजाइन दिखाए थे एंड देन फिर उसको हमने प्रोसेस किया था फोटो इलस्ट्रेटर के ऊपर एंड फिर से डिजाइन किया शेप्स की हेल्प से एंड देन फिर उसको मॉकअप के ऊपर पेस्ट करके दिखाया कि किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये लोगों के अपने नाम का पहचान के इन्हीं के अपने एशियस नेम के उसी से अपना लोगो डिजाइन किया। पहले मैंने क्रश के लोगों को रीडिजाइन किया एंड देन फिर उसके बाद उसकी पोस्ट पर डिजाइन किया। क्यों करना सारा काम मजा होगी ना नॉलेज तो एक आपका क्या है अगर रनिंग नहीं होगी तो रनिंग के सीजन एग्जाम जिंदगी बिता नहीं सकेंगे क्योंकि रनिंग के बाद तो कुछ नहीं होता खाली पेट तो कुछ नहीं होता खाली पेट तो अम्मा को भी मजा लगाएंगे बेटा जाओ कुछ कमा के लाओ वो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं आगे की जो दुनिया आ रही है उसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है खासतौर से हमारा आई टी का फील्ड है इसमें हर रोज़ एक नई चीज़ आ गई है चैट जीपीटी वगैरह खेल रहा हूँ मैं चैट जीपीटी से चीज़ें नहीं छोड़ा राइट उसके पीछे एक साल पहले आ रही है जनरेटिव आई जो उसके जो जैसे जो बैकग्राउंड है उसको कहते हैं कि चैट जीपीटी आया अभी आया एक एक साल ही होता है लेकिन चैट जीपीटी पीछे जो लॉजिक है ना जो उसको जनरेटिव आई कहते हैं तकरीबन 50 साल पुरानी हो गई जनरेटिव आई जिससे जनरेटिव आई निकली है उसको हम कहते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स और इसको जो नाम है इन सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई बेस्ड आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई जो है इसकी एक एप्लीकेशन आनी चाहिए एप्लीकेशन की और भी बहुत सी थी लेकिन ये चीज़ चाहिए इसमें जल्दी इंटरेस्टिंग थी ऐसे पहले इस तरह की चीज़ें हुई आ गई थी लेकिन वो इस तरह से आगे नहीं आ सकते इसमें चैट जीपीटी में और भी सारे उसके पीछे लग गए हैं राइट गूगल है और सारे माइक्रोसॉफ्ट है इनके काम में कोई ऐसी चीज़ें आई हैं इसके चैट जीपीटी ये उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया टिकटॉक 2017 में आया था सब इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट हर कोई लगा टिकटॉक उल्टी सही चीज़ें जो भी है टिकटॉक भी थोड़ा सा सिंपल स्टडी है आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी छोटी सी 5-10 मिनट की 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो बना के डाल दें चाइनीज का इसमें आया था टिकटॉक आज जो उसकी वैल्यू है टिकटॉक की वो कोई $80 billion से ऊपर 80 बिलियन हम 1 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा बात कर रहा है हमें बड़े टाइम से पैसे मिल जाए ये चैट जीपीटी की इस वक्त वैल्यूएशन में कहीं पड़ रहा था एक मैगजीन में $100 billion से ऊपर चाहिए एक साल के अंदर ठीक है ये कंपनी आई कंपनी है इसकी इसने चैट जीपीटी के सामने अवार्ड मिल जाए तो छोटी चीज़ों से ही आपको लगेगा कि हम ये क्या करें छोटी चीज़ नहीं ऐसे क्या हो सकता है इस काम करते हुए कि आपकी ऐसी चीज़ निकल आएगी किसी का कि वो आपको कहीं ऊपर लेके चाहिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट करना है कि भाई मैं मेरा मकसद ये नहीं कि मैं बस जैसे उठ के आऊँ नाश्ता करके यहाँ पे 2 घंटे निकालूँ और जल्दी से मिल ये तो आपके सारे सारे दोस्त आपके मेहमान मौजूद हैं यहाँ पे तो मकसद ये नहीं कि आपको यहाँ बुलाएं 2 घंटे यहाँ बिठाएं आप कुछ कंप्यूटर पर खेलना चाहिए यहाँ से ऐसी चीज़ सीखे जाएँ जो आपको आगे आगे फायदे आज नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद ये साल की छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है ना वो एक स्टार्ट तो देंगे लेकिन आगे जाके चीज़ें आपको खुद सीखी यहाँ तो आपको एक आपके साथ जो है एक आपको फंडामेंटल चीज़ें सिखा रहे हैं 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अभी मैं सर से बात ही कर रहा था बैठा हुआ आपको टेक्निकल स्किल चाहिए जो आप चीज़ें सीख रहे हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते आपके सारे क्लाइंट्स बाहर बैठे हैं जितने भी आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग वाले उसके सारे आपकी कम्युनिकेशन सारी जो जॉब्स आती हैं किसी ने बोल के देखा आपने देखा इंग्लिश सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है मेजॉरिटी सारी ना भी कहने लगे 95% जो है वो इंग्लिश में अब जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आएगी और ऐसी बात है आप किसी क्लाइंट से काम लेते हैं तो ऐसा नहीं कि बस उसने काम लेगी आपने करके देखा उसमें कम्युनिकेशन भी होगी वो आपसे कुछ पूछेगा आप उसको कुछ जवाब देंगे अगर इसमें क्या पा रहा है कि ठीक है मान लो आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हों लेकिन जब आप उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हैं तो कह रहा है कि यार मेरा काम करेंगे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं ऐसे कहूँ इंग्लिश तो आती हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है उसके बगैर काम नहीं अगर आप कहेंगे कि अच्छा भाई मैं तो यहाँ से बात कर रहा था
उर्दू में पढ़ी थी सारी चीज़ें, लेकिन एक टाइम आता है कि आपको पता चलता है कि नहीं भाई मुझे अगर दुनिया के साथ चलना है तो मेरी मजबूरी है कुछ। हमने जो है वो वक्त के साथ साथ माशाल्लाह हम सब अच्छे जॉब्स में हैं, अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं और अपनी अपने इंग्लिश में ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें।